नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा की, जिसके बारे में शायद आपने सुनाई हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी कुल लंबाई भारत और बांग्लादेश को मिलाकर की जाए तो करीब 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है। इसको लोग गंगा माँ या गंगा देवी के नाम से भी पहचानते हैं। दोस्तों यह नदी तीन देशों से निकलती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। इस नदी में मछलियों तथा सांपों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती हैं, लेकिन मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों इस नदी की खास बात यह है कि इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवी को जीवित नहीं रहते रहने देते। इसीलिए इसका पानी बहुत ही मतलब अमृत के समान माना जाता है। गंगा भारत में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, कर्णाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और कांची है। एंड दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, वो हैं चंबल, सोन, बेतवा, कैन, दक्षिणी तोंस आदि हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख नदी है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि करीब 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश के घने वनों से ढका हुआ था, लेकिन फिर बढ़ती आबादी के कारण अब कुछ ही जंगल बचे हुए हैं। गंगा में कुल 140 मछलियों की प्रजातियां और 35 सरीसृपों की, इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों इसमें डॉल्फिन की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें अब हम गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह नदी गंगोत्री से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स।